पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। इस बीच बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पूरी घटना का ब्यौरा दिया है, उन्हें बताया है कि संदेश खाली में क्या हो रहा है। मैं उन्हें अपनी आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर गवर्नर साहब भी हैरत में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और मेरे नेताओं के साथ पुलिस द्वारा किया गया व्यवहार बहुत दुखद है, ऐसा लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में मजूमदार ने संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया था। यहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। संदेश खाली में उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर कार्रवाई की थी। क्षेत्र में लगे धारा 144 को लेकर मजूमदार ने टीएमसी सरकार पर हमला किया। मजूमदार ने कहा कि धारा 144 सिर्फ भाजपा नेताओं के लिए लगा हुआ है, क्योंकि टीएमसी के एमएलए 50 लोगों को लेकर घूम रहे हैं। टीएमसी नेताओं के लिए 144 नहीं है। 144 लागू होने के बाद भी भेदभाव किया जा रहा है। धारा 144 सिर्फ भाजपा नेताओं, भाजपा विधायकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए है। दूसरे दलों, खासकर टीएमसी के नेता, धारा 144 नहीं लगा रखी है। सीपीएम को भी संदेश खाली में जाने दिया गया। उनके साथ भी कई वामपंथी नेता थे। बता दें कि संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। संदेश खाली के कुछ हिस्सों में गुरुवार दोपहर को नए सिरे से विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें गुस्साए स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। सुकांत मजूमदार ने कहा कि मीडिया को रोक दिया गया है, लाइट ऑफ कर दी गई कि कोई विजुअल ना आ जाए, और इस तरह से डेमोक्रेसी में जो आवाज़ है उस आवाज़ को रोकने की कोशिश पुलिस हमसे कर रही है। उन्होंने कहा कि वह अपनी आवाज़ ऐसे ही उठाते रहेंगे। तो सुकांत मजूमदार ने और क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, पुलिस वाले से हमें खींचतानी करके उठा के लाए, जोर जबरदस्ती उठा के लाए, और इस तरीके से उठा के लाने के बाद लॉन्च में उठाया, फेरी में उठाया, और फेरी को लेकर मिडिल ऑफ द रिवर में वहां पे बैठा कर रखा। वहां पे हमें बेल बॉन्ड पे साइन कराया गया, अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, और बेल बॉन्ड में अरेस्ट किया गया, बेल बॉन्ड में साइन करा के उसके बाद हमें लॉन्च के ऊपर ही बेल बॉन्ड में साइन कराया गया, वहां पे छुड़ाया गया। देखिए, हम धरने पे बैठे थे, उनको वो बोल रहे थे कि आप 144 तोड़ रहे हैं, इसके लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। दूसरी तरफ अपना एमएलए 50 लोगों को लेकर गांव में घूम रहा है, उसी जगह पे वही 144 लागू नहीं होता। ये जो पार्शियल 144 है ये चल नहीं सकता, चल नहीं देंगे, कोर्ट में जाएगा, हम जरूरत पड़ेगा। जिस तरीके से हमें पकड़ा गया है, और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे मेरे साथ, उनके साथ जिस तरीके से हाथापाई हुई, उनका पूरे शर्ट वगैरह पूरा फाड़ दिया गया, ये पश्चिम बंगाल पुलिस की स्ट्रेटेजी है। ऐसा ही हुआ था जब भवानीपुर में हम गए थे पोस्टर लगाने के लिए, वो पॉलिसी होता है कि शर्ट फाड़ दो। तो ये हालत है पश्चिम बंगाल की पुलिस की। एकदम मीडिया को रोक दिया गया, लाइट ऑफ कर दिया गया, बीच में लॉन्च में कोई विजुअल्स ना जाए, और पूरी तरीके से इस तरीके से डेमोक्रेसी में जो आवाज है ऑपोजिशन की, उस आवाज को रोकने की कोशिश हम सब पुलिस करते रहे। आज माननीय सांसद श्री सुकांत मजूमदार बिना पुलिस को इंटीमेशन दिए यहाँ पे आए थे। उन्हें धामाखाली में इंटरसेप्ट किया गया था। उन्होंने संदेश खाली में आके एक व्यक्ति के घर वालों के साथ मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की। उनको पहले रोक दिया गया था, फिर परमिशन दिया गया कि वो अपने सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे उनके परिवार के साथ आके मिल सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ आके पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पे बैठ गए, यहाँ पे लोकल सपोर्टर्स के साथ। ये दिस वॉज इन क्लियर वायलेशन ऑफ सेक्शन 144 विच वॉज इम्पोज इन द एरिया। इसीलिए उनको पहले मैंने यहाँ पे धरना परित्याग करने की अनुरोध की, लेकिन वो नहीं सुने, नाराबाजी करने लगे। उसके बाद हम लोग कानूनी कार्रवाई किए और उनको अरेस्ट करके फिर पर्सनल बॉन्ड देके रिलीज कर दिए। आज एक और घटना हुई है यहाँ पे संदेश खाली में। आज यहाँ पे 9 व्यक्तियों को अपना जो जमीन का जो कंप्लेंट्स मिल रहे हैं, जो प्रशासन द्वारा कैंप्स लगाए गए हैं और पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं जमीन को लेके, ऐसे 9 व्यक्तियों के जमीन उनको सर्वे करके बीएलआरओ एवं लोकल पुलिस के प्रेजेंस में उनको लौटा दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।